हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर पे 100% नेचुरल गुलाब जल बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गुलाब का पंखुड़िया लिया है और इसे मैंने ठंडे पानी से अच्छे से धो लिया है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे गैस को ऑन कर देंगे और गैस पे मैंने यहाँ पे पतीला रखा है और इसमें मैंने 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया है। अब हम इसमें बीच में एक स्टैंड रख देंगे, आप बीच में कोई सा भी स्टैंड रख दें। इसके बाद हम गुलाब की पंखुड़ी को इस तरह से साइड साइड में डाल देंगे। तो इस तरह से साइड साइड में डाल देना है और इसके बाद हम एक कटोरी रख देंगे बीच में। आप कोई भी एक कटोरी रख दे, इसमें हमारा गुलाब जल इकट्ठा होगा। और इसके बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। तो ढक्कन को हमें उल्टा करके लगाना है और यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। फ्लेम को मीडियम करना है और हमें ढक्कन को अच्छे से उल्टा करके लगाना है और कहीं से भी स्टीम नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कहीं से भी स्टीम ना निकले। और ढक्कन को मैंने उल्टा करके लगाने के लिए इसलिए बोला था ताकि जो भी भाप बने वो ढक्कन से टकराकर बीच सेंटर में इकट्ठा हो। देखिए इस तरह से। अब हम इसे 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो गया है और मैंने यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, हमारा इतना गुलाब जल बन गया है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में गुलाब जल बनाना है तो आप ज़्यादा गुलाब का पंखुड़ी लें और ज़्यादा पानी लें तो आपका ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। और इसे मैंने ठंडा कर लिया है, अब मैं इसे एक बोतल में भर दूंगी और आप इसे फ्रिज में रख के लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एकदम 100% नेचुरल गुलाब जल बन के रेडी है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय।